हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। तो हमारी जो उत्तराखंड नर्सिंग की जो काउंसलिंग आई थी वो आई थी हमारी 7 नवंबर। लेकिन 7 नवंबर को हमारा कोई वेबसाइट पे कोई लिंक ऐसा एक्टिव नहीं हुआ जो काउंसलिंग हो सके हमारी। तो ये कल एक अपडेट आई है, एक नोटिस आया है हेमवतीनंदन बहुगुणा की तरफ से। तो आपके सामने हमने PDF खोली है, तो देखते हैं आखिर क्या आया है इसमें। उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा 2022 के आधार पर राज्य केंद्रीकृत काउंसलिंग में प्रतिभाग करने वाले अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है। राज्य के निजी शिक्षण संस्थानों संचालित विभिन्न नर्सिंग पैरामेडिकल पाठ्यक्रमों की काउंसलिंग जो दिनांक 7 नवंबर 2022 से आरंभ की जानी प्रस्तावित थी को विस्तारित करते हुए दिनांक 10/11/2022 से आरंभ की जाएगी। तो बेसिकली हुआ क्या है, जो हमारी काउंसलिंग 7 तारीख से होने वाली थी वो भी इन्होंने पोस्टपोन करके आगे बढ़ा दिए और वो काउंसलिंग अब 10 नवंबर को रखी गई है। भविष्य में भी उत्तराखंड नर्सिंग पैरामेडिकल काउंसलिंग से संबंधित अद्यतन सूचनाओं को विश्वविद्यालय की वेबसाइट SNBU MU के माध्यम से ही अवगत कराया जाएगा। अभ्यर्थियों को प्रत्यक्ष से कोई सूचना नहीं दी जाएगी। तो ये हमारा, आप ये देख सकते हैं, नोटिस की जो डेट है वो कल ही आया है, 7 नवंबर 2022 को, और ये ऑफिशियल PDF है हमारे पास। तो उसमें जो डेट है वो बेसिकली आगे बढ़ा दी है। अब देखना यह है कि 10 नवंबर को ना, होपफुल यार अब हो जाए, क्योंकि पहले से बहुत लेट हो चुका है। तो जो लिंक एक्टिवेट होगा ये 10 नवंबर को दोपहर के 1 बजे के बाद ही अपडेट हो जाएगा। मतलब काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए जो लिंक एक्टिव होगा ऑफिशियली वो 10 नवंबर को 1 बजे के बाद एक्टिव हो जाएगा इस PDF के हिसाब से। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।